रह के बहुत घनी दुख पाली, लंगर काटे जहाज के फिर इतने में भरमाली। आ पुड़िया ते डर गया हो दिल्ली के दलवाली, तेरा साच माच मुँह पाया चीकना, पेट पड़िया खाली। फिर मांग सिंदूर हटा के राख रमाई दिल्ली में, जमुना जी पाया के धोनी फिर लाई दिल्ली। जमुना जी पाके और दुहुना लगा के बैठ जाते, उधर से कौन के वो शेठ ताराचंद, रोजाना का उसका आना था जमुना जी पे स्नान करके, और फिर काम धंधा जो भी था फिर करते। एक दिन सवेरे आया, उसने देखा, हो रही बाबा जी आज तो भाई नया दिखाड़े। मन में विचार आया कि साधु के पास खाली जाना ठीक नहीं। घर गया, भोजन तैयार करवा के उसकी पूजा का सामान ले के और उस साधु के पास जाता है। दंडवत प्रणाम किया के प्रणाम महाराज, आओ। सुनिए जी, सुनिए कि महाराज भोजन ग्रहण करो। कि भाई ऐसे तो हम किसी का भोजन नहीं ग्रहण करते, पहले अपना परिचय दो, आप हो कौन। देखिए बात हर तरह की आऊंगी, जो मेरे भाई नौजवान साथी हैं वह भी थोड़ा ध्यान दे, क्यों जिसके पल्ले परमात्मा ने दिमाग दे रखे। देखो उपनिषदों की बात ऐसी है जो ध्यान से सुनोगे तो समझ में एक एक बोला होगा और तरह के रंग आ जाएंगे। फिल्मी कहोगे फिल्मी आ जाएंगे, देशी कहोगे देशी आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो बाबा जी उस शेठ ताराचंद से पूछता है कि आप हो कौन, अपना परिचय दो पहले, कैसे क्या कहता है। ए जी कोणी गाम शुभ ना, आप हो जी कोणी ओ वरण के, हम भोजन द्विज कुल का पके फेर सही ईश्वर के गुण गाते, फेर सही ईश्वर के गुण गाते, हम नगद दाम नाचते भूखे न थैली ओ भरण के, समझ अनूठी मेवा, ओ भरत समझ अनूठी मेवा, करे भगत जनन जी से बनकन दास ओ चरण के, yeah।
से सेवन पूजन यजन करें से बुरे काम का तजन करूं सुम बुरे काम का तजन उस हरि के नाम का भजन हम पूरे सने में ओ परण के लखमी चंद कर हरि का जाप तेरे दोरे आवन तीनो ताप सच्चे गुरु की दया ता पाप कट जाए जने में ओ मरण के इस पर ज्यादा ध्यान न दे के बोल पकड़ाओ।